गुड़ामलानी उपखंड मुख्यालय के जैन मोहल्ले में स्थित बाड़मेर भवन में विराजित सुरंजना श्रीजी आदि ठाणा की पावन प्रेरणा और निश्रा में भगवान पार्श्वनाथ जन्म और दीक्षा कल्याणक महोत्सव प्रसंग पर अष्टम तप और कई अनुष्ठानों का भव्य आयोजन बुधवार को संपन्न हुआ। गुड़ामलानी से अर्जुन दर्जी की रिपोर्ट। गुड़ामलानी उपखंड मुख्यालय के जैन मोहल्ले में स्थित बाड़मेर भवन में विराजित सुरंजना श्रीजी आदि ठाणा की पावन प्रेरणा व निश्रा में भगवान पार्श्वनाथ जन्म व दीक्षा कल्याणक महोत्सव प्रसंग पर अष्टम तप व कई अनुष्ठानों का भव्य आयोजन सा आनंद संपन्न हुआ। जैन समाज के सुरेश कुमार पारख ने बताया कि त्रिदिवसीय अष्टम तप कार्यक्रम में प्रथम दिन पंच कल्याणक पूजन, दूसरे दिन 108 पार्श्वनाथ अभिषेक, तृतीय दिन नवकार धाम प्रेरक मुनिश्री लाभ रुचि जी के पावन निश्रा में पार्श्व पद्मावती महापूजन का भव्य आयोजन किया गया है। तीनों दिन प्रातः स्नान, पूजा, प्रवचन, देव दर्शन, जाप, रात्रि भक्ति आदि कई अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। चौथे दिन प्रातः तपस्वियों की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बाड़मेर भवन से प्रारंभ होकर शांतिनाथ जिनालय, चौमुखा पार्श्वनाथ जिनालय, जैन मोहल्ला चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनालय, हनुमान चौक, राणा प्रताप बाजार, जैन दादावड़ी सदर बाजार होते हुए वापस बाड़मेर भवन पहुंची, जहां शोभा यात्रा धर्मसभा में परिवर्तित हुई। धर्मसभा में मंगल आचरण के बाद अष्टम तप के तपस्वियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। लाभार्थी परिवारों ने सभी तपस्वियों का तिलक माला श्रीफल से बहुमान करके तप का अनुमोदना की। लगभग 60 तपस्वियों की अष्टम तप की तपस्या निर्विघ्न संपन्न हुई। तत्पश्चात तपस्वियों का मंगल पारणा व नवकारसी का आयोजन के साथ महोत्सव संपन्न हुआ। अष्टम तप व नवकारसी का लाभ पारसमल स्वर्गीय बाबूलाल सुपुत्र आसूलाल धारीवाल परिवार रामजी का गोल बाड़मेर ने किया। गुरु भक्तों के गुरु पूजन का लाभ मदनलाल किशनलाल बोथरा परिवार व कांबली का लाभ भगवान दास राणामल छाजेड़ परिवार ने लिया। संघ की ओर से सभी लाभार्थी परिवारों का बहुमान अभिनंदन किया गया।